अगर आप बेल्टोल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस देखे होंगे, आपको पता होगा कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी आपके सामने ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके होम मेनू से पूछा जाएगा। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हम आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बेल्ट्रॉन में पूछ सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम मेनू से, ये हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, इसके लिए विंडोज के साथ आर प्रेस करके रन बॉक्स ओपन करना होता है, और उसमें आपको टाइप करना है विन वर्ड। जब ये विन वर्ड टाइप करेंगे, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करना है, ये सामने आएगा। और इसमें ना अभी आप देख पा रहे होंगे, ये जो सबसे ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ये तो आपका सर्च बॉक्स हो गया। इसके बाद हम आपको ये एक एक करके जो मेनू होता है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना सबसे पहले फाइल मेनू कहलाता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये सब जो है ना, इसे हम मेनू बार कहते हैं। और इसके बाद ये जो पूरा का पूरा जो सामने आपका दिखाई दे रहा है, जिस पर हर मेनू में अलग अलग ये आ रहा है, इसे हम रिबन कहते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि इससे ना पूछे, लेकिन मेनू से ज़रूर पूछेगा। तो हम थोड़ा सा पेज को जूम करते हैं। जूम करने के लिए विंडोज के साथ आर प्रेस करने से भी आपका बड़ा होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छे से। और सबसे खास बात, जो यहाँ पर राइट साइड में जो कॉर्नर पर तीन सिंबल दिख रहा है, ये मिनिमाइज का होता है, ये आपका मैक्सिमाइज, या इसे हम फुल स्क्रीन भी कह सकते हैं, और ये वाला आपका क्लोज करने के लिए होता है। हालांकि अगर कीबोर्ड से करना चाहे तो अल्ट के साथ F4 फंक्शन की का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए, इसमें ऑटो सेव का फीचर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर प्रीवियस पहले का जो वर्जन था, उन सभी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन नया वर्जन में आपका दिया है कि अपने आप वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। पहले में क्या होता था कि जब आप टाइप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और किसी तरह से बंद होता है तो वापस नहीं आता, लेकिन इसमें आपका वापस आ जाएगा। इसके बाद ये जो बगल वाला सिंबल है, सेव करने का होता है। सेव करने का मतलब होता है कंप्यूटर में अस्थाई रूप से स्टोर करना। जैसे कोई लेटर या डॉक्यूमेंट बनाए हैं, आप चाह रहे कि उसको कंप्यूटर में रख दे परमानेंट, तो उसके लिए हम सेव करेंगे। कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना होता है। देखिए, यहाँ पर शॉर्टकट की शो भी कर रहा है। इसके बाद आपका होता है, ये दो सिंबल है, एक अंडू का है और एक रीडू का है। अंडू का मतलब होता है बैक जाने के लिए। कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ आप जेड प्रेस करेंगे, और फिर अगर बैक गए हैं, फिर उधर से वापस के लिए आप रिपीट के लिए आप रीडू करेंगे, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y, ठीक है। तो यानी क्या क्या शॉर्टकट की है, Ctrl+S से सेव होता है, अंडू Ctrl+Z, रीडू के लिए होता है Ctrl+Y। इसके बाद ये जो सामने आपका मेनू दिखाई दे रहा है, ये रिबन है, रिबन पर ही आपका सारा शो करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कट कॉपी पेस्ट, जिसमें कट और कॉपी अभी इनेबल नहीं है, क्योंकि जब तक हम पेज पर कुछ टाइप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए, हम यहाँ से झारखंड टाइप करते हैं, जैसे ही झारखंड टाइप हुआ तो अब यहाँ से ना ये टाइप हो गया। अब हम जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, कट और कॉपी दोनों इनेबल हो गया। मतलब अब हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। और कीबोर्ड से करना है तो देखिए, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करना है, और अगर कॉपी करना चाह रहे तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है। मैक्सिमम जो आपका शॉर्टकट की वगैरह बनता है, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम मेनू से बनता है। तो यहाँ से कट और कॉपी, कट का शॉर्टकट की Ctrl+X, कॉपी का होता है Ctrl+C। और कट और कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना होगा, और पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। और कब करना है, तो जैसे मूव करना होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह ऑब्जेक्ट को ले जाना है, तो आप यहाँ से कट करेंगे, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ पर रखना है उस जगह पर आप पेस्ट करेंगे। और कॉपी और पेस्ट करेंगे जब आपको डुप्लीकेट करना है, एक ही चीज़ बार बार चाहिए, तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए, और जितना बार चाहिए आप उतना बार पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है आपका यहाँ से, और क्लिपबोर्ड जो होता है, जो भी आप कॉपी करेंगे वो सारा आइटम आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, भाषा बदला जाता है। जैसे अभी देखिए, ये इंग्लिश में टाइप हुआ, अगर इसी जगह पर अगर हम यहाँ से फॉन्ट बदल देते हैं, आपको पता होगा कि हिंदी लिखना है तो इसी जगह से ये चूज किए, जो फॉन्ट जैसा दिखाई देता है वैसा ही टाइप होगा। अगर ये हिंदी में दिखाई दे रहा है तो देखिए हिंदी टाइप होगा, कुर्ती देव चूज किए। अब यहाँ से अगर हम कुछ लिखेंगे तो हिंदी में टाइप होगा, जैसे देखिए हम यहाँ से लिखते हैं राजमहल,
इसका मतलब क्या हुआ, ये हिंदी में टाइप हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में अगर इंग्लिश, हिंदी या किसी भी भाषा में लिखना है तो कीबोर्ड हमें नहीं बदलना होता है, हमें फॉन्ट बदलना होता है, और ये यहीं से चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका यहाँ से होता है ये फॉन्ट का जो साइज होता है ये चेंज करना होता है। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि इसका जो मिनिमम साइज होता है 8 होता है और मैक्सिमम साइज आपका 72 होता है। अक्सर यहाँ पर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि फॉन्ट का मिनिमम साइज कितना होता है, 8 होता है, और मैक्सिमम साइज कितना होता है, 72 होता है। अगर हालांकि इससे भी अगर आपको बड़ा करना हो तो आप ये वाला जो दिख रहा है ना इंक्रीज फॉन्ट साइज, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप साइज बड़ा कर सकते हो। और बड़ा करने का मतलब है 72 से भी आप बड़ा कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके ना आप साइज को छोटा कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। और छोटा करने का मतलब है कि नियर रूल्स के अनुसार लिस्ट पर तो हम 8 तक तो कर ही सकते हैं, अगर 8 से भी कम करना है तब आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी इससे भी हम साइज बड़ा छोटा कर लेते हैं, लेकिन एक रेंज है 8 और मैक्सिमम 72, इससे बड़ा करना है तो आप इंक्रीज फॉन्ट साइज, और 8 से छोटा करना है तो डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। और इसके बाद होता है बोल्ड, टेक्स्ट को मोटा करने के लिए होता है, इटालिक टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, और यू से होता है अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे लाइन देने के लिए। हालांकि इन तीनों का शॉर्टकट की अगर आप जानना चाहिएगा तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस आई से इटालिक होगा, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होगा। देखिए मैक्सिमम जो शॉर्टकट की होता है, अगर हो सकता है आपको याद नहीं रहे तो ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादा यूज होता है उसका फर्स्ट लेटर दिया है। जैसे बी बोल्ड बी से है ना तो कंट्रोल के साथ बी है, इटालिक आई से है तो कंट्रोल प्लस आई है, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू है, जैसे सेव करने का कंट्रोल प्लस एस है, कॉपी करने का कंट्रोल प्लस सी है, ठीक है। तो कहने का जैसे प्रिंट करने का तो कंट्रोल प्लस आपका पी है, न्यू करना है नया पेज लेना है तो कंट्रोल प्लस एन है, ओपन करना तो कंट्रोल प्लस ओ है। मतलब मैक्सिमम जो है कंट्रोल के साथ प्रेस होता है, और जो फर्स्ट लेटर वो हम ये नहीं कहेंगे कि सबका होता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है उसका फर्स्ट लेटर आपका दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका ये वाला जो है होता है ये स्ट्राइक थ्रू है, इसका काम है टेक्स्ट के बीच में लाइन देना। देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं, जैसे ये सेलेक्ट किया इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे, देखिए बोल्ड हो गया, फिर क्लिक करेंगे हट जाएगा। इटालिक मतलब तिरछा करने के लिए क्लिक करेंगे तिरछा होगा, फिर उसी पे क्लिक करेंगे डिजेबल, मतलब इनेबल और डिजेबल करने के लिए आपको उसी पे क्लिक करना है। अंडरलाइन यू पे क्लिक करें अंडरलाइन हो गया, फिर क्लिक किया हट गया, ठीक है। और ये बीच में लाइन देने के लिए ऐसा लगेगा जैसे कैसे लिख कर आप काट दिए हैं, ठीक है ये वाला। इसके बाद ये होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट और ये होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ पावर के लिए यूज़ करते हैं, कभी अगर मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर में देना हो तो अब आप इसका यूज करेंगे, और कीबोर्ड से करना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस बटन प्रेस करेंगे तो पावर का यू पावर में आपका कर्सर चला जाएगा, आप वहाँ पर लिख पाएंगे। और बेस में लिखने के लिए ना आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, ये जो माइनस है आप इसका यूज़ करेंगे। और इसके बाद होता है ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इफेक्ट होता है, टेक्स्ट इफेक्ट है, और सॉरी टेक्स्ट हाईलाइटर ये है आपका, ठीक है। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए झारखंड को हाईलाइट करना है, जैसे इस पर क्लिक किया हाईलाइट हो गया। ये वाला फॉन्ट का कलर चेंज होता है, जैसे डिफॉल्ट अभी ब्लैक कलर में टाइप हो रहा है, हमें कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें, देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, जो भी फॉर्मेटिंग की क्लियर और फॉर्मेटिंग, ठीक है। देखिए हम साइज चेंज किए थे, थोड़ा बोल्ड किए थे, सॉरी थोड़ा साइज बड़ा किए थे, कलर आपका फॉन्ट बदले थे, तो जो भी फॉर्मेटिंग की वो सारा आपका हट गया। और ये वाला होता है चेंज केस करने का, मतलब जैसे अगर आप लिख चुके हैं तो सेंटेंस केस का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा बाकी सारा छोटा करता है, लोअर सारा लेटर छोटा करेगा अपर सारा बड़ा करता है। कैपिटलाइज इच वर्ड का मतलब पढ़ते हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, और टूगल इन सभी केसेस का क्या करता है, अपोजिट करता है। इसके बाद ये वाला अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में क्या होता है कि ये डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होगा, लेकिन अगर आपको कर्सर को बीच में रखना है, बीच में लिखना है तो सेंटर करेंगे, कीबोर्ड से करना तो कंट्रोल के साथ ई, और ये वाला राइट अलाइनमेंट होता है कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है, और ये वाला कंट्रोल के साथ जे प्रेस करना होता है जस्टिफाई के लिए, ठीक है।
और ये क्या होता है कि मार्जिन के बीच में ही आपका टेक्स्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि अलाइनमेंट पूछे तो चार होता है, लेफ्ट हुआ, सेंटर हुआ, राइट हुआ, जस्टिफाई हुआ। अगर शॉर्टकट की का बात करें तो कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट हुआ, कंट्रोल प्लस आर से राइट होगा, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई होगा, लेकिन कंट्रोल प्लस सी से सेंटर नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, इसलिए कंट्रोल के साथ ई आपका दे दिया गया। ठीक है, ऊपर वाला बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज होता है, जैसे ये सब सारा सिंबल है। अगर टेस्ट के पहले इनमें से किसी भी सिंबल का यूज करेंगे तो आप बुलेट्स का यूज होगा, और इसके अलावा टेस्ट के पहले किसी तरह का नंबर देना चाहते हैं आप, तो आप नंबरिंग का यूज करेंगे। और ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बनता है, जैसे देख रहे होंगे आप इस तरह से वन के अंदर वन। बहुत बार ऐसा होता है कोई टॉपिक वन नंबर दिए, फिर इसके वन का ही 1.1 हुआ, तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद ये लाइन स्पेसिंग होता है, दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको कम और ज़्यादा करने के, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, जो लाइन होता है, जो पैराग्राफ आप टाइप करते हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको कम और ज़्यादा करने के लिए। ये आपका होता है मार्जिन से जो पैराग्राफ है उसको मूव करने के लिए मार्जिन से दूर। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, पास लाने के लिए होता है। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते जाएं, जैसे ये है, ठीक है, ये कर्सर, ये सेलेक्ट टेक्स्ट है आपका। जैसे इस पर क्लिक करते जाएं तो देखें मार्जिन से दूर होता जा रहा है, और जैसे इस पर क्लिक करें तो पास आता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट की ओर, और ये वाला आपका होता है राइट से राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड होगा। इसके अलावा ये कलर फिल करने के, शेडिंग के लिए होता है। फिल हम लोग इसमें यूज करेंगे जब हम फॉर्मेट मेनू का यूज़ करेंगे या किसी शेप को लाएंगे तब। और ये वाला बॉर्डर है, ये बॉर्डर का यूज़ करना होता है जो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, देखिए इस पर क्लिक करने के बाद। हालांकि टेबल वगैरह लाएंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर होगा। देखिए यहाँ जो टेक्स्ट है, जो सिलेक्शन है, उसको क्या कर दिया, चारों साइड बॉर्डर कर दिया। इसके बाद ये वाला जो होता है असेंडिंग डिसेंडिंग करने का होता है, आपको पता है बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानते होंगे। जैसे ए बी सी डी ई एफ, अगर इस क्रम में अगर आप सजा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जेड एक्स सॉरी जेड वाई एक्स ऐसे करके सजा रहे ना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। और नंबर में रहा तो 1 2 3 4, ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ, मतलब छोटा से बड़ा की ओर, बड़ा से छोटा, जैसे 10 9 8 7 6, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ये आपका दरअसल शो और हाइट के लिए होता है। कंट्रोल के साथ आप मल्टीप्लाई बटन को प्रेस करेंगे तो इसका यूज होगा। फॉर्मेटिंग सिंबल जो होता है ना, उसको हिडन के लिए होता है। ये एक मार्क है, और बाकी ये स्टाइल है। जब आप कुछ टाइप करते हैं एमएस वर्ड पर तो डिफॉल्ट नॉर्मल में टाइप होता है, लेकिन आप चाहें तो इनमें से किसी भी स्टाइल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फाइंड, खोजने के लिए इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F प्रेस करना होता है। मतलब किसी भी वर्ड को खोजना है, किसी लेटर को खोजना है तो आप फाइंड में जाइए। ठीक है, और कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ F। इसके बाद होता है रिप्लेस, जैसे पेज पर कुछ लिख चुके हैं और उसके बदले कोई दूसरा वर्ड चाहिए तो हम रिप्लेस करेंगे। अगर एक दो जगह हो तो नॉर्मली हम ऐसे भी मिटाकर लिख सकते हैं, इरेज करके लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर होगा तो बेहतर होगा कि आप रिप्लेस मेनू का यूज करें, और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एश प्रेस करना होता है। बाकी सेलेक्ट करना, जो पेज पर लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है तो माउस से हम ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी को अगर सेलेक्ट करना है तो आप इसका यूज कीजिए, और सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल के साथ ए, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल का होता है। ठीक है, तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम मेनू, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्वेश्चंस जो बनता है ज़्यादातर इससे बनता है, और आपका जो शॉर्टकट की है इसमें बहुत ज़्यादा भी है, तो क्वेश्चन इससे आपका कन्फर्म पूछेगा। ठीक है, और ऐसे जानकारी के लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करें तो जानकारी के लिए भी इन सब ये सब सारे मेनू के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के मेनू को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।